गुड मॉर्निंग टू माई ऑल ऑफ डियर ऑनलाइन स्टूडेंट, यू आर मोस्टली वेलकम इन फ्यूचर क्लासेस प्रीतम नगर प्रयागराज. आई माई सेल्फ डॉक्टर संजीव तिवारी. नाउ आई विल डिस्कस यू अबाउट मोल कंसेप्ट एंड पार्ट टू मोल कंसेप्ट, दैट इज मोल इन केस ऑफ गैसियस सब्सटेंस. इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि गैसियस सब्सटेंस के लिए मोल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं. कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. यू मस्ट हैव नो अबाउट गैसेस अक्यूपाइज स्पेस. गैसेस क्या करती हैं? स्पेस अक्यूपाई करती हैं. तो स्पेस अगर अक्यूपाई करेंगी तो उसमें क्या होगा? वॉल्यूम होगा. तो अगर स्पेस अक्यूपाई करेंगे तो वॉल्यूम होगा. तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट वन मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस की वन मोल ऑफ एनी गैस, इट अक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी. वन मोल ऑफ एनी गैस अक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी. एसटीपी, व्हाट डू वी मीन बाय एसटीपी? एसटीपी मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज गिवन एज 298 केल्विन. प्रेशर इज 760 mm ऑफ Hg, और इट कैन ऑल्सो बी रिटेन एज वन एटमॉस्फियर प्रेशर होगा और 298 केल्विन टेम्परेचर होगा. तो किसी भी गैस के वन मोल का जो वॉल्यूम होगा दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर. ये 22.4 लीटर के बराबर होगा. अब देखिएगा, अगर वन मोल ऑफ N2 गैस की बात करें तो इसका भी वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर. वन मोल H2 का मतलब कितने ग्राम H2? 2 ग्राम H2. वन मोल ऑफ N2 मीन्स हाउ मेनी ग्राम H2? 28 ग्राम H2. वन मोल ऑफ NH3 इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम ऑफ NH3? 17 ग्राम ऑफ NH3. इट इज ऑल्सो इक्वल टू 22.4 लीटर. अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ने 2 ग्राम H2 लिया तब भी वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर है. हमने 28 ग्राम लिया तब भी वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर है. हमने 17 ग्राम NH3 लिया, वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर है. ठीक है, अब देखिएगा, अब मास बढ़ रहा है. मास देखिए चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम क्या है? सेम है. हाउ कैन इट बी पॉसिबल? एक एग्जांपल समझिए. जैसे मैंने H2 गैस की बात की. किसकी बात की? H2 गैस. ये है बेटा 22.4 लीटर वॉल्यूम का एक कंटेनर. एक एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके समझ में अभी आ जाएगा. ये है 22.4 लीटर वॉल्यूम का एक कंटेनर. 22.4 लीटर वॉल्यूम का एक कंटेनर है. वॉल्यूम इसका कितना है बच्चों? 22.4 लीटर. अब जब आपने H2 गैस लिया तो H2 गैस इज लाइटर गैस. इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है. तो इसका सिर्फ आप 2 ग्राम ही लेंगे तो ये 22.4 लीटर को क्या करेगा? कवर कर देगा. ठीक है, यानी इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दूर दूर रहते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन ऑफ H2 गैस इज फार फार अवे फ्रॉम ईच अदर. सो ओनली 2 ग्राम विल कवर 22.4 लीटर. ठीक है, अब वहीं पे अगर मैं N2 गैस की बात करूंगा, किसकी बात? N2 गैस की बात करूंगा. मान लीजिए मैंने लिया 22.4 लीटर वॉल्यूम का एक कंटेनर, मैंने ये लिया. ठीक है, अब हुआ क्या कि इनकेस ऑफ N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इज हाई. मीन्स उसके मॉलिक्यूल क्या रहते हैं? पास पास रहते हैं. तो पास पास अगर रहेंगे तो आपको ज़्यादा ग्राम लेना पड़ेगा तब जा करके वो 22.4 लीटर को कवर कर पाएंगे. ठीक है, बहुत ढेर सारी गैस, मतलब 28 ग्राम जो हाइड्रोजन के, मतलब नाइट्रोजन के रहेंगे, वो 22.4 लीटर को कवर कर पाएगा. मीन्स इट विल डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ गैस. ये गैस की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी कम होगी, नाइट्रोजन की डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी. इसलिए इसका ज़्यादा मास लेना पड़ा. इन द सेम वे इन द केस ऑफ अमोनिया गैस आल्सो. तो कहने का मतलब कि द मास ऑफ एनी गैस विल डिपेंड अपॉन द डेंसिटी. लेकिन
वन मोल कोई भी गैस होगी, एनी गैस हैविंग वन मोल विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि वन मोल ऑफ H2 गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। अगर हम आपसे एक बात करना चाहें दैट इज फार्मूला। अगर हम फार्मूले की बात करना चाहें तो क्या करेंगे हम लोग फार्मूले के लिए, नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ गैस, अगर कोई कहे नाइट्रोजन गैस है उसका वॉल्यूम है 500 लीटर एट STP, 500 लीटर वॉल्यूम एट STP है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल उसके लिए क्या होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, अगर यही ये नाइट्रोजन गैस अकुपाइज N2 गैस अकुपाइज 500 लीटर एट STP, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल, इसके लिए नंबर ऑफ मोल क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है नंबर ऑफ मोल के लिए, इफ वी हैव टू गिवन 22.4 लीटर वॉल्यूम, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ N2 गैस, देन इट कंटेन हाउ मेनी मोल, वन मोल। इट कंटेन्स हाउ मेनी मोल, वन मोल। ये कितना मोल कंटेन करेगा, एक मोल कंटेन करेगा। आपको दे दिया गया 500 लीटर वॉल्यूम ऑफ N2 क्या हो जाएगा बेटा, 22.4 लीटर एक मोल के बराबर है, तो 500 लीटर कितने के बराबर होगा, 500 इंटू 1 अपॉन 22.4। तो यू कैन इजीली राइट इट 500 इंटू 1 अपॉन 22.4, ठीक है। तो ये हो गया मोल आपका नाइट्रोजन के लिए, नंबर ऑफ मोल हो गया। तो ये हम लोग के समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा। अब अगर फार्मूला की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस, तो ऐसे लिखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ गैसियस सब्सटेंस के लिए नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 लीटर, उसको भी लीटर में ही कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये 500 है क्या, 500 लीटर इज वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP। अब 22.4 लीटर कंटेंस वन मोल, तो 500 को हमने फार्मूले में कन्वर्ट किया, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 लीटर। इट कैन आल्सो बी रिटेन एज स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, इसको बेटा 22.4 लीटर को मैं बोल सकता हूँ स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तो ये इसके लिए भी फार्मूला बन के हमारे पास तैयार हो गया कि नंबर ऑफ मोल इन केस ऑफ गैसियस सब्सटेंस। नाउ वी विल सॉल्व सम बेसिक क्वेश्चन अबाउट नंबर ऑफ मोल इन केस ऑफ गैसियस सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज लाइक दिस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 गैस हुज वॉल्यूम ऑक्यूपाइज 112 लीटर वॉल्यूम एट STP। मतलब कि ऐसे अमोनिया गैस का अमाउंट हमें निकालना है जिसका वॉल्यूम आपको STP पे दिया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ नहीं करना है, जो फार्मूला हमने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स
इन केस ऑफ गैस, इन केस ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एचटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एचटीपी अपॉन 22.4 लीटर, अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, ये फार्मूला आपके पास है, दिस वन इज नंबर ऑफ मोल इन केस ऑफ गैस। फर्दर एक फार्मूला हमने आपको और बताया था, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल इक्वल टू व्हाट, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहाँ लिख सकते हैं मोल के स्थान पे हम गिवन मास, गिवन मास इन ग्राम, इन ग्राम अपॉन मोलर मास, मोलर मास दैट इज इक्वल टू सेम वही चीज वॉल्यूम ऑफ गैस एट एचटीपी, इन्होंने दिया है बेटा कितना 112 लीटर अपॉन 22.4 लीटर। तो लीटर लीटर से तो कैंसिल ही हो गया, अब 22.4 को डिवाइड से डिवाइड करना है 112 को, जब डिवाइड करेंगे ये वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, कितनी आएगी बच्चों, 5 आएगी। और गिवन मास इन ग्राम ये तो आपको पता ही नहीं है, क्या लिखेंगे आप, एक्स मान लीजिए, मोलर मास, मोलर मास किसका, NH3 का, NH3 का मोलर मास आप कर सकते हैं 17 आया, एक्स अपॉन 17 इक्वल टू व्हाट, 5, एक्स अपॉन 17 इक्वल टू 5, द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 85 ग्राम, द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 85 ग्राम। ठीक है, तो अब देखिएगा एकदम सिंपल हो गया ना, गिवन मास इन ग्राम मैंने किया, गिवन मास हमें पता ही नहीं है, मैंने उसको एक्स मान लिया, मोलर मास कितना है बेटा NH3 का 17, इट विल बी इक्वल टू 112 जो कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट एचटीपी दैट इज गिवन इन आवर प्रॉब्लम, 112 अपॉन 22.4 सॉल्व किए कितना आ गया बेटा ये 5 आ गया, x अपॉन 17 इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 85 ग्राम। तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको जो है बुक्स में मिलेंगे, कम्पिटेटिव बुक्स में मिलेंगे, तो आप उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन HCl गैस हुज वॉल्यूम इज 67.2 लीटर एट HTP। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की नंबर आपको बताना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोजन एटम की नंबर बताना है। आप हमें ये बताइए, अगर एक मॉलिक्यूल HCl होता, अगर वन मॉलिक्यूल HCl होता, वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, वन हाइड्रोजन एटम, वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl में कितने हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम, एक मॉलिक्यूल HCl रहेगा तो कितने हाइड्रोजन एटम रहेंगे, वन हाइड्रोजन एटम। तो किसी तरह से अगर हमें HCl के मॉलिक्यूल्स मिल जाएं, HCl के मॉलिक्यूल्स मिल जाएं, तो हाइड्रोजन के एटम्स भी मिल जाएंगे कि कितने उसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कैसे HCl का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल तो निकाल सकते हैं यार, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वही फार्मूला जो अभी हमने यूज किया था, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एचटीपी, कितना वॉल्यूम है 67.2 डिवाइडेड बाई 22.4, 67.2 डिवाइडेड बाई 22.4, तो बेटा ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 मोल आएगा, ये कितना आएगा, 3 मोल आएगा। अब देखिएगा, वन मोल HCl, वन मोल HCl इक्वल टू हाउ मेनी हाइड्रोजन एट, हाउ मेनी HCl मॉलिक्यूल, वन मोल HCl कंटेन्स, कंटेन्स 6.02 इंटू 10 का पावर 23 HCl मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, वन मोल HCl कंटेन्स 6.02 इंटू 10 का पावर 23 HCl मॉलिक्यूल, एक मोल HCl में इतने होंगे, तो एक मोल अगर HCl में इतने HCl के मॉलिक्यूल होंगे तो इतने HCl मॉलिक्यूल मिल गए। अब अगर HCl मॉलिक्यूल मिल गया तो हाइड्रोजन एटम भी तो मिल जाएगा, क्योंकि वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl कंटेन वन हाइड्रोजन एटम,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो गया आपका 3 मोल ऑफ HCl कंटेन, 3 मोल ऑफ HCl कंटेन कंटेन, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 × 6.02 × 10³³ HCl मॉलिक्यूल, HCl के मॉलिक्यूल की संख्या देखिए मिल गई कितना, 3 × 6 = 18.06 × 10³³ HCl मॉलिक्यूल। जितने HCl के मॉलिक्यूल उतने ही हाइड्रोजन के एटम, तो 18.06 × 10³³ HCl का मॉलिक्यूल हुआ तो उतने ही इसमें हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट रहेंगे, उतने ही इसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहेंगे। तो अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी इक्वल टू 18.06 × 10³³ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इतने हाइड्रोजन एटम भी इसमें प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से ये जो है लेक्चर हमने ख़त्म किया आपका, क्या उसमें डिस्कस कराया आपसे, नंबर ऑफ मोल इन केस ऑफ गैसियस सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इसके आगे का जो टर्म्स है कंसंट्रेशन टर्म्स और मोलरिटी मोलरिटी दैट विल बी डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, दैट्स ऑल।